हाय प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने जो अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स है उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल हमने अपने कॉम्पिटिशन मैथ्स के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। उन्हीं के अंतर्गत हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल आपको ये चीज़ें बता दी थी। उसी के बाद हम फिर से आपको पुनः आज की क्लास में इसको रिवाइज करवा के आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे कि हम जब अपने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए आपको कुछ कई बार आपको ग्राफ पे स्थितियों के दर्शाए जाने के लिए बात कही जाती है तो उनको किस तरीके से आप दर्शाएंगे। सबसे पहले आपको दो समीकरण मिलेंगे जिसे हमने व्यापक समीकरण के रूप में दर्शाया है सामने, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा आपको मिल रहा है a2x + b2y = + c2 = 0। ये आपके दो क्या है, तो एक ही क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं आपको। अब आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, यदि आप इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो इनसे निरूपित क्या, इसे इन्हें आप ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो इस ग्राफ पे आपको क्या कि इससे जो रेखाएं निर्मित होंगी वो रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। तब आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना है कि आपको इसमें क्या चेक करना है, दो कंडीशन चेक करना है ये वाली, ठीक है। सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे a1 बटे a2, ठीक है, क्या करेंगे a1 बटे a2, ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन आप क्या निकालेंगे b1 बटे b2। यदि ये दोनों कंडीशन आपकी क्या आती हैं, बराबर नहीं आती हैं, क्या नहीं आती हैं आपकी, बराबर नहीं आती हैं, ठीक है, क्या बराबर नहीं आती हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी जो रेखाएं हैं दोनों आपस में कैसी होने वाली हैं, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होने वाली हैं, क्या होने वाली हैं, प्रतिच्छेद, क्लियर है, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर देंगी फिर, और यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो आपको बता देना है कि दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपकी दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही होती हैं तो आपके समीकरण का निकाय कैसा होता है, तो आपको बता देना है आपके समीकरण का निकाय कैसा होता है, आपके समीकरण का निकाय होगा एक अद्वितीय हल, क्या होगा, एक अद्वितीय हल होता है, क्लियर है। तो इतना सब अपन ने यहाँ पे सीखा पहले, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये वाली होती है आपकी कंडीशन, ठीक है, और उसका उसे आप निकाय कौन सा बोला जाता है, आपका अद्वितीय हल बोला जाता है, क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है जब आपकी दो रेखाएं कैसी हो जाए, अब आपने बोला कि दो रेखाएं समांतर हो गई तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए आपको क्या अपनी संख्या रेखा को समांतर चेक करना है तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दो समीकरण दिए जाएंगे, वहां पे अपन a1 बटे a2 बराबर आ गया b1 बटे b2 के, क्या आ गया, बराबर आ गया b1 बटे b2 के, पर यदि आपका बराबर नहीं आया काय के c1 बटे c2 के, क्या बराबर नहीं आया काय के अपने c1 बटे c2 के, तो आपको क्या बोल देना है कि आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, फिर से आपसे पूछा जाएगा इनकी रेखाएं कैसी होंगी, तो आपको चेक कर लेना है, क्या चेक कर लेना है, ये कंडीशन, यदि ये कंडीशन लग जाएगी तो आपको आंसर क्या देना है, समांतर होंगे, क्या होंगे, समांतर होंगे, क्लियर, ठीक है। और ये वाली कंडीशन आपको चेक करने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको इसको हल करना पड़ेगा, क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसका इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, यदि आपसे बोल दिया जाए यदि समीकरण दो यदि दिए गए समीकरण एक दो निर्मित दो समांतर रेखाएं हैं तो इस समीकरण के युग्म कैसे होंगे या इस समीकरण का निकाय कैसा होगा, तो आपको निकाय कैसा बताना है, युग्म का निकाय कोई हल नहीं होगा, क्या कोई हल नहीं होगा, आंसर ये देना है, ठीक है। फिर से कल भी हमने बताए थे तो इसे हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़े। अगला है यदि दोनों रेखाएं कैसी आ जाए, संपाती हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, दो समीकरण है आपके पास a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये दो कंडीशन है, तो आपको क्या कर लेना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, संपाती होंगी, कब, जब आपको तीनों आपस में कैसे मिल जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए, ठीक है। तो यदि आपको तीनों कंडीशन बराबर हो जाए तो आपको समीकरण का निकाय क्या बताना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या जिसे हम दूसरे वर्डों में बोलते हैं अनंत अनेक हल, ठीक है, तो ये आपको कंडीशन बता देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये चीजें ज्ञात करनी पड़ेंगी, तो यहां पे हमने एक छोटी छोटी चीज आपको बताने की कोशिश की, क्लियर, तो यहां पे आपको सब कुछ हमारे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो यहां पे ये आपका आंसर आया, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर।
अगला आपके सामने ये आया, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया उसी समय, दिए गए समीकरण के निकाय होंगे, आपको दो समीकरण दिए गए हैं उनके निकाय होंगे, चार ऑप्शन आपके सामने, एक अद्वितीय हल होगा, किस इसका कोई हल नहीं होगा और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, उनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, निकाय चेक करना है, तो निकाय चेक करने का तरीका क्या है, हम फटाफट इसके निकाय निकालेंगे। इसे अपन काय में से कंपेयर करने वाले हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन बराबर जीरो, और दूसरा समीकरण क्या था अपना, ए टू एक्स प्लस बी टू बाय प्लस सी टू बराबर क्या है आपका, जीरो। ठीक है, ये कंडीशन दी गई, तो आपको यहाँ पे चेक करना, सबसे पहले क्या देखना है, ए वन बटे ए टू। ठीक है, क्या देखा आपने, ए वन बटे ए टू, तो ए वन बटे ए टू आपको यहाँ पे तीनों चीजें लिखना है, बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू, ये आपने तीनों कंडीशन लिख ली, बस आपको लिखना है सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए का मान क्या है वन और B का यहाँ A2 का मान क्या है तीन, तो ये आपका काय का है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है और यहाँ पे तीन है, तो ये हो गया A1, ठीक है, और ये हो गया A2, ठीक है, ये चीज़ें हो गई दोनों, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब अगले पे चलते हैं, अगला है आपका तीन बटे नौ। ठीक है, तीन बटे नौ, तो जैसे ही आपने देखा तीन बटे नौ आया, तो आपने देखा एक तीन एकम तीन, तीन तिरका नौ, तो आपको मिल गया क्या, ये बराबर मिल गया, एक बटे दो बराबर एक बटे तीन बराबर एक बटे तीन। अब और आगे गए, जैसे ही आप और आगे बढ़े, तो यहाँ पे आपने निकाला माइनस का तीन और माइनस का दो, क्या माइनस का तीन और माइनस का दो, ठीक है, माइनस का तीन और माइनस का दो, जैसे ही आपने देखा तो आपने यहाँ पाया क्या, ये बराबर तो नहीं पाएगा, तो आपने जैसे ही पाया क्या कि पहला आपका आया क्या, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, पर बराबर नहीं है सी वन बटे C2 के, क्या बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो इस कंडीशन में आपको आंसर क्या लगा देना है, अब भी हमने आपको बताया था पीछे कुछ, ठीक है, ये बताया था हमने यहाँ पे, जब आपका A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो समीकरणों का योग कैसा, निकाय कैसा होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या देना है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कब, जब ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू और बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के, तो इस कंडीशन में आपको आंसर क्या लगा देना है, आपको आंसर लगा देना है इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा, तो बस इतना काम चेक करना है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे ये हो गया तो बस आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, इतना ही काम आपको पूछा जाएगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से करते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, दिए गए समीकरण के निकाय होंगे, फिर से आपको एक और प्रैक्टिस पे, तो फटाफट कर लीजिए, तो हम यहाँ पे अब चेक करने वाले हैं क्या, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, ये तीनों कंडीशन चेक करनी है, तो अब हम यहाँ पे करते चलते हैं, जैसे ही आपने रखा क्या आ गया, दो बटे तीन बराबर लगाया क्या आ गया, एक बटे दो, ये दोनों बराबर पाए गए क्या, आपने देखा ये दो बटे तीन क्या आ गया, पहला मान दूसरा आ गया एक बटे दो, ये दोनों बराबर नहीं पाएगा, तो आपने इसमें मैंने क्या लगाया, लगाया नहीं, और ये वाली कंडीशन आपको याद है कब, यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन आपने लगाई थी कब, ये कंडीशन कब होती, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस कंडीशन में आंसर क्या देना था, इसका निकाय, इसका निकाय कैसा होगा, इसका निकाय होगा अद्वितीय हल, क्या होता है अद्वितीय हल, तो एक अद्वितीय हल होगा, तो इस कंडीशन में आपने क्या माना, ये क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल आसान तरीके से आंसर निकला, तो इसका निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया इजी तरीके से, तो ये हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको सीखते चलना है, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने दिखाया क्या, अद्वितीय हल, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, तो आपको हमेशा ऐसे ही चेक करते चलना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आपको करवाए, पहला क्वेश्चन ये था आपको, इसमें भी आपको निकाय चेक करने को दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन ये था, इसमें भी आपको क्या बोला गया था, निकाय चेक करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल आसान तरीके से निकाय चेक करते हुए दिखाया, क्लियर है। ठीक है, अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण की रेखाएं होंगी। अब यहाँ पे फिर से आपको वही कंडीशन आ गया कि अब आपको यहाँ पे, पहले हमने निकाय निकालना सीखा है, क्या निकालना सीखा, निकाय निकालना सीखा, अब दूसरी कंडीशन में हम क्या पहुंचे कि दिए गए समीकरणों की रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, सबसे पहले आपने देखा क्या, सबसे पहले आपने देखा क्या, 3x माइनस 5 बाय इक्वल टू 20 और यहाँ पे 6x माइनस 10 बाय इक्वल टू 40। सबसे पहले यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर आपने तो उस तरफ बताया था, तो आप यहाँ पे भी C1 C2 इसको इस तरह इस रूप में भी लिख सकते हैं, A1x प्लस B1 बाय इक्वल टू
सी वन, और यहाँ पे ए टू एक्स प्लस बी टू बाय इक्वल टू क्या आ जाएगा सी टू, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको चेक किया बस। अब यहाँ पे आपको फिर से हमने सिखाया कि आपको चेक कर लेना है, क्या चेक कर लेना है, स्थिति ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है, यदि बी वन बटे बी टू के पाया जाएगा तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और आपकी रेखाएं कैसी होती हैं, आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और यदि आपका क्या आ जाए, यदि आपकी ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू के नहीं है तो आपकी दोनों रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समानांतर पैरेलल हो जाती हैं। और तीसरी कंडीशन क्या देखी, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, यदि आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के हो जाए तो आपकी सभी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, सभी रेखाएं आपकी कैसी हो जाएंगी, एक के ऊपर एक समपैरेलल, मतलब क्या हो जाएंगी आपकी समपाती। ठीक है, समपाती हो जाएंगी, क्लियर है। तो अपन यही कंडीशन तीनों चेक कर लेते हैं, और यही कंडीशन दे रखी है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात वे समांतर हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं समपाती हैं और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। तो आपको आंसर देना है, कैसे देंगे, यदि आपको कंडीशन ही नहीं पता होगी तो आप कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपसे फिर से पुनः कहना चाहेंगे कि आप हमारे कौन से चैनल पे, हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, जो आप लोगों के लिए अनुभवी शिक्षकों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी लगातार करा रहा है, पर इसको खास सराहना नहीं दी जा रही है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके हमारे साथ जुड़िए। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप पुराने पेपर जरूर उठा के देखिए जो हमने पढ़ाया है, यदि उससे कुछ भी चीजें बाहर की मिले तो आप बिल्कुल मत हमारे चैनल पर आना। यदि आपको मिलता है तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने इसके हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके आपको शेयर करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ही हम सब कुछ तैयारी करा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको अपन को बताना है कि इस समीकरण की रेखाएं कैसी होंगी। तो हमने यहाँ पे चेक किया इसकी कंडीशन की क्या बन रहा है। सबसे पहले हमने ए वन बटे ए टू निकाला। ठीक है, ए वन बटे ए टू क्या आ गया आपका, आपने निकाला थ्री बाय सिक्स, ये आ गया तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, ठीक है एक बटे दो आ गया लगभग। ठीक है, फिर अगली कंडीशन हमने निकाली बी वन बटे बी टू की, बी वन बटे बी टू क्या निकाला आपने, माइनस का पाँच और बटे में माइनस का दस, तो यहाँ पे क्या आ गया पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, तो ये भी आ गया एक बटे दो। ठीक है, तीसरी कंडीशन आप गए कहाँ, सी वन बटे सी टू पर, कहाँ गए आप सी वन बटे सी टू पर, सी वन बटे सी टू क्या आ गया आपका बीस बटे चालीस, तो यहाँ पे क्या आ गया बीस एकम बीस, बीस दूनी चालीस, तो ये भी कितना आ गया एक बटे दो। तो आपने तीनों कंडीशन जहां देखी क्या आया, यहाँ पे आपकी आई क्या, ए वन बटे ए टू बराबर b1 बटे b2 और बराबर क्या पाई गई c1 बटे c2 के, ये तीनों कंडीशन क्या गई आपकी पाई गई कैसे, एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बराबर एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो, ये तीनों आपके कैसे पाए गए आपस में, तीनों के बराबर पाए गए। तो जब आपने सीखा है यदि आपके तीनों बिंदु ये कंडीशन आपकी कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है क्या कि आपको बता देना है कि ये तीनों कंडीशन बराबर होंगी, अतः इस समीकरण के अनंतता नहीं हल होंगे, पर ये ऑप्शन में नहीं है। तो अब समीकरण से आपने बताया रेखाओं की स्थिति क्या होगी, तो आपको रेखाओं की भी स्थिति बताना है, क्या दोनों रेखाएं आपस में कैसी होने वाली हैं, दोनों रेखाएं आपकी हो जाएंगी समपाती, कैसी हो जाएंगी आपकी समपाती, इट मीन्स एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने किया, ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक समपाती होंगी। ठीक है, तो आपको हमेशा का ये काम है कि यदि आपको एक दिन रविवार का मिलता है तो उस पर आपको पूरा काम करना है। इसीलिए हमने आज पहले जब अपनी मंडे की क्लास स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने आपको क्या करके दिखाया, आपको जो पुराना काम था थोड़ा सा रिविजन किया है, जिससे आपको फिर से काम याद आ जाए कि अपन ने करना क्या था, किया क्या क्या था। क्लियर है? तो हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, दोनों रेखा कैसी होंगी समपाती, तो ये कंडीशन भी आपको चेक कर ली। इसी से रिलेटेड हम अपना क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ये आ गया, दिए गए समीकरण की रेखाएं होंगी, फिर से आपको बताना है चेक करके। भैया हर एक क्वेश्चन को हम दो प्रकार से करवा रहे हैं कि एक आप सीख जाओ, दूसरी बार प्रैक्टिस कर लो। इसका बिल्कुल चुटकियों में आंसर दे दीजिए आप हमें।
क्या रहा है। तो आपको एक दो तीन चार आपको ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन का आपको आंसर निकालना है। तो फिर से आप तीनों कंडीशन चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या आया आपने, जैसे ही आपने निकाला ए वन बटे ए टू आया, तो ए वन बटे ए टू क्या आ गया, एक बटे तीन पाया गया, ठीक है। जैसे ही आपने निकाला बी वन बटे बी टू, तो ये क्या पाया गया, तीन बटे तीन मतलब एक बटे एक से एक कटा। तो आपने जैसे ही बी ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू चेक किया, तो क्या आया, वो बराबर नहीं पाया गया। तो जैसे ही आपने ये पाया बराबर नहीं पाया, तो अपन सी वन बटे सी टू को चेक नहीं करेंगे, नहीं पाया गया। ये दोनों स्थिति क्या हो गई, ये आपकी बराबर नहीं पाई गई। अब बस जब ये स्थिति हो जाए, जब ये स्थिति हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको याद होगा, क्या याद होगा, कि हमने क्वेश्चन कैसे किया था, कि जब आपको ए वन बटे ए टू बराबर नहीं पाया गया आपने बी वन बटे बी टू के, तो आपने क्या सीखा था, हमने सीखा था यहाँ पे कि जब आपकी ए वन बटे ए टू बराबर नहीं पाए जाएंगे बी वन बटे बी टू के, तो आपको क्या देखा था कि हमारे समीकरण के निकाय कैसे होते थे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होते थे, और रेखाएं कैसी होती थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी। तो यहां पे आपकी क्या देखा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। ये ऑप्शन मिला, हाँ भैया मिला, तो आप आंसर क्या दे दोगे, पहला आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो भैया इतनी ही चीज है, आपको इतनी ही चीजों को आसानी से सीखते चलना है भैया। हर एक चीज हम प्रॉपर तरीके से आपको करा रहे हैं, जिससे ना कोई दिक्कत होती ना कोई परेशानी, और आपका आंसर भी बिल्कुल आता जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन अलग अलग तरीके कराए, ठीक है। एक बार और दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराया था दिए गए समीकरणों का निकाय ज्ञात करना, तो आपने निकाय ज्ञात कर दिया, ठीक है। फिर दिए गए समीकरण का फिर से निकाय ज्ञात करना सिखाया था, तो हमने निकाय ज्ञात करके दिखाया था, अद्वितीय हल पाया गया। फिर यहाँ पे आप आए, तो तीसरी कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी थी कि आपको इस बार समीकरण की रेखाओं के बारे में बताना है, रेखाएं कैसी होगी, तो आपने बताया संपाती होंगी, ठीक है। फिर अगला बताया आपने, अगले समीकरण में फिर से आपने बताया, तो उसका निकाला आपने क्या, दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पे हमने काफी महत्वपूर्ण चीजें बताई अपने ग्राफ के बारे में। क्या बताया आपने, ग्राफ के बारे में, कि वो आप पे क्या क्या काम होगा, क्या क्या काम नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पी के किस मान के लिए, क्या पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा गया है क्या, कि पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या दे दिया गया है, कंडीशन आपको दे रखी है। कौन सी कंडीशन दे रखी है आपको, यहाँ पे आपको अद्वितीय हल की कंडीशन ही दे रखी है। तो अब यहाँ पे आपको चेक नहीं करना, हमने बोल दिया है क्या, कि जब आपका कंडीशन दे रखी है क्या, कि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, ये आपको कंडीशन दे रखी है, तो आपको पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्या, पी के किस मान के लिए, ठीक है, समीकरण का योग एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन दे रखी है, तो बस यहाँ पे अप्लाई कर दो, जो चीज बोला है वही आपको करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, ए वन बराबर क्या पाया गया, चार, ए टू बराबर क्या पाया गया, दो, ठीक है, और बी वन बराबर क्या पाया गया, पी, और बी टू बराबर क्या पाया गया आपका, दो, ठीक है। ए वन और ए टू ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। अब यहाँ पे आपने इसमें जैसे ही मान लगा, तो क्या आ जाएगा आपका, चार बटे दो बराबर नहीं है पी वन बटे पी टू, ठीक है, ये आ गया। इससे आपने काटा, दो दूनी चार और दो एकम दो, ये आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे पी बराबर नहीं पाया जाएगा काय के, दो के, यहाँ पे दो दूनी चार, ठीक है, पी बराबर नहीं है चार के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यदि पी की वैल्यू आपको क्या निकालनी है, तो पी के किस मान के लिए, तो आपको आंसर दे देना है क्या, कि पी के आपको छे आपका क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या दे देना है, P बराबर नहीं है चार के, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये वाली चीज सोचते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आई, तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सोचना है, क्या कि यहाँ पे आपको एक अद्वितीय हल की कंडीशन दे रखी है, तो आपने उसी को बिल्कुल उसी तरीके से हल करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, आपको एक अद्वितीय कंडीशन दे रखी थी, उसी को हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हल करना सिखाने की कोशिश की, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है,
ठीक है। इसके अलावा भी हम इसको और तरीके से चेक कर सकते हैं क्या, कि यदि आपको कुछ और दे दिया जाता, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाता अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है, क्या दे दिया जाता इसके, आपको अनंत अनेक हल दे दिए जाते, तो फिर आप क्या करते, तो आपको जो कंडीशन यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, पी के किस मान के लिए, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर ये मिल रहा है क्या कि पी बराबर चार के नहीं है, और यदि आपको और कोई कंडीशन देती तो हम अगले क्वेश्चन में वो भी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, पी के यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, तो उनसे पूछा है पी के किस मान के लिए, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे कि पी के यहाँ पे आपको क्या, पी बराबर नहीं है चार के, अतः पी के के लिए चार के अलावा, चार के अलावा सभी मान हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या देना है आपको, पी के पी बराबर नहीं है चार के, अतः पी के लिए चार के अलावा सभी मान हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप पी का क्या रखोगे, पी के चार के अलावा कोई और मान रखोगे यदि आप, तो आप क्या होगा, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जैसे आप कोई भी मान रख देगी, देख लीजिए चार के अलावा, ठीक है, चार के अलावा कोई भी मान रख लीजिए आप, तो आपको यहाँ पे ये क्या कंडीशन प्राप्त होगी, समीकरण की अद्वितीय हल प्राप्त होगी। तो आंसर आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल सकता है, आपको आंसर मिल सकता है क्या, पी बराबर चार, पी बराबर नहीं है चार के, ठीक है, क्या पी बराबर नहीं है चार के, और पी बराबर आ जाएगा दो, ठीक है, और पी बराबर आ जाएगा एक, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, पी बराबर होगा क्या चार के, तो नहीं भैया, तो आंसर क्या बना है आपका, पी बराबर नहीं है चार के, तो ये आप आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो पी बराबर नहीं है चार के, ये आपको आंसर लगाना है, और यदि और अच्छे से आंसर चाहिए तो पी के किस मान के लिए, तो पी के चार के अलावा, पी के लिए चार के अलावा सभी मान हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर भी क्या हो सकता है, पी के किस मान के, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर ये मिल सकता है, और लगाना चाहे तो आप ये दोनों भी ऑप्शन में हो सकते हैं, तो यदि होंगे तो आपको दे सकते हैं, ठीक है। पर आंसर क्या हो जाएगा, पी बराबर नहीं होगा चार के, मतलब पी का चार का मान यदि आप रख दोगे पी का मान, तो वो एक अद्वितीय हल नहीं देगा, बाकी अन्य सभी मानों के लिए क्या देगा, अद्वितीय हल देगा, क्लियर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला कंडीशन आपके लिए आने वाली ये देखिए आ गई, के किस मान के लिए रेखाएं की निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। आपसे फिर से पूछा गया कि आप यहाँ पे k का कौन सा मान लेंगे यदि कि आपके समीकरणों का क्या हो जाए, एक का हो जाए, कोई हल ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस बार क्या करना है, कोई हल ना होने की कंडीशन देखना है। तो यहाँ पे आपको दिया है a1 बटे a2 होता है बराबर b1 बटे b2 होता है और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, ठीक है, ये आपको दिया गया कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या चेक करना है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको चेक करना है कि आपको के किस मान के लिए आपके समीकरण के निकाय कैसे होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो ये आपका समीकरण का निकाय का क्या, कोई हल नहीं होने की कंडीशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिख दें, ए वन बराबर क्या है तीन, ए टू बराबर क्या है आपका टू के माइनस वन, बी वन बराबर क्या है आपका वन, और बी टू बराबर क्या है आपका के माइनस वन, और सी वन बराबर क्या है वन, और सी टू बराबर है आपका 2k प्लस वन, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको दे दी गई, ये आपको सभी मान है। अब यहां से आपको k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए अपन यहां पे रख देते हैं क्या, 3 अपॉन 2k माइनस वन, ठीक है, और बराबर यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन k, क्या आ जाएगा आपका यहां पे 1 अपॉन k, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहां पे आपने जैसे ही इसको हल किया, बाकी अब तो नहीं वाला, तो अपन को k का मान चाहिए, तो आप इसको हल कर दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 3k बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k माइनस का 1, ये आ गया। अब क्या कीजिए, 1 को इस तरह यहाँ पे आपका अगर 2k इसको ले आइए, तो 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k बराबर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k इक्वल टू माइनस 1। तो k के किस मान के लिए आपने प्राप्त किया, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हो गया भैया, हाँ मिस्टेक हो गया बिल्कुल, इसको अपन सुधारेंगे। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, k माइनस वन लेना था, हमने केवल क्या लिया है k माइनस वन नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज बिल्कुल सुधार के चलना है, यहाँ पे हमें क्या लेना था, हमें k माइनस वन लेना था, तो हमने क्या लिया यहाँ पे b2 का मान है k माइनस वन। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 1, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपने इसको हल किया, तो इसको इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k
माइनस का 2k, और ये उस तरफ गया तो क्या आ गया प्लस का 3। तो आपने यहां पे निकाला k बराबर क्या प्राप्त हुई आपको 2 प्राप्त हुआ। तो k का क्या आ जाएगा, k के किस मान के लिए, तो आपको आंसर इस बार देना है k बराबर 2 के लिए z के समीकरणों के युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, k के किस मान, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बस यहां पे हमने आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि जब आपको यहां पे कोई कंडीशन दे दी जाए तो बस आपको यहाँ पे चेक वेक नहीं करना है कुछ क्या होगा, आपको बस समीकरण में ये कंडीशन लगा देनी है, उसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका आसान तरीके से आंसर देगा। ठीक है, जो भी आपसे ऑप्शन में मिल जाएगा वो आपको आंसर लगाते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज अपने पूरे जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे अपने संख्या रेखा पर आप उसे किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं रेखाओं पे, वो हमने समाप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी चीजों को भी आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, अब हम आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न आपके हैं थोड़ी देर से क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या सवाल समीकरण बनाना है फिर उनको हल करना है, तो बिल्कुल चुटकियों में अपन उनको भी हल करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। अब हम आपके सामने अगला सवाल लेके आए हैं। हमारा अगला सवाल है 5 किताबें 3 कॉपियों की कीमत 1750 है, जबकि कितनी 3 किताबें और 5 कॉपियों की कुल कीमत 1238 है, तो 2 किताबें और 2 कॉपियों की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपन आगे के जो कुछ क्वेश्चन होंगे उनको हल करने का तरीका अपन अलग तरीके से अपनाएंगे, फिर भी यदि आपके यहाँ पे समीकरण बना के काम होता है तो आपको समीकरण बना के काम करना है। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आया आपका, तो हमने माना कि यहाँ किताब क्या है एक्स है, ठीक है, और कॉपी क्या है बाय है, तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा आपका 5x + 3y इक्वल टू कितना 1750। ठीक है, और अगली बार क्या बन जाएगा 3x + 5y बराबर कितना आ जाएगा 1280। ठीक है, तो यहाँ से आप यदि आपको इस तरीके से दो समीकरण मिल जाए तो आप उनको एक एक चीज का मूल्य आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे अगली बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हल करने का तरीका हमने क्या सीखा था, किसी भी एक वेरिएबल के क्या बना लो, क्या बना लो आप अवयव समान बना लो, तो हम काय के बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं बाय के, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 से गुणा, यहाँ पे आपका 3 से गुणा। ठीक है, गुणा कर दीजिए, उनको क्या कर दीजिए घटा दीजिए। ठीक है, गुणा करके लिखते हैं सबसे पहले फटाफट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 3 यहाँ पे 5, सबसे पहले स्टार्ट किया यहीं से 5 0 0 5 25। ठीक है, 5 0 0 5 25 5 7 35 35 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 3537। चलिए ठीक है, इसको हम आपको सबसे पहले इतना लंबा आने की जगह पे अपन इसको सीधा हल करते हैं, देखना कैसे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको सीधा हल करते हैं। ठीक है, देखना कैसे हल कर रहे हैं आप, देखते बस चलिए। यहाँ पे देखिए क्या किया आपने, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8x + 8y बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2988 क्या करना है, यहाँ से बस आप यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या 8 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा x + y बराबर 2988, और बटे में क्या आ जाएगा अगली बार x + y बराबर कितना आ जाएगा 2988, बस 2988 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या अपॉन में क्या पहुंच जाएगा 8, 8 से काटा आपने, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 बचे कितने अपने पास 5, 8 2 24 8 3 8 4 32 8 5 6 8 6 48, 8 7 कितना होता है 56, बचे अपने पास कितने, फिर से बचे अपने पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे बचे कितने अपने पास 2 बचे। ठीक है, और यहाँ पे आपने अगली बार क्या निकाला, यहाँ पे आपने अगली बार निकाला क्या बचे 200 8 8 16 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नहीं कट रहा है, तो जितना कट रहा है उतना काटते हैं, सबसे पहले आपने देखा पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या, यहाँ पे आपका आ गया 9। ठीक है, तो आप यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 2 8 यहाँ पे 2 4 1 4 4 7 28। ठीक है, 4 7 28 बचा कितना अपने पास 1। ठीक है, और 4 4 16 और 4 यहाँ पे बचा कितना, फिर से यहाँ पे 4 4 16। ठीक है, बचे इतने 2 और 4 7 कितना आ जाएगा 28 और बटे में क्या है 2, तो यहाँ पे आपकी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी 447/2। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया, 2 कॉपी और 2 पेन, तो आपने इसको बनाया क्या, 1 कॉपी और 1 पेन की वैल्यू है, तो 2 कॉपी बनाया तो 2 से गुणा इस तरफ, 2 पेन से इस तरफ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 747/2 गुणा इससे भी 2 तरफ से, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 कॉपी और 2 पेन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 700
47 कितनी आ गई, दो कॉपी और दो पेन की वैल्यू कितनी आ गई 747। अब यदि यहां से आप पूछते एक पेन की वैल्यू तो आपको यहां पे हल करना पड़ता, यदि आपको जितना पूछा जाए तो आपने सीधा निकाल दिया। ठीक है, तो आप यहां से इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन मिले तो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, चार कॉपी और पांच पेन की कीमत 120 है। ठीक है, तो आठ कॉपी और दस पेन की कीमत क्या होगी। अब यहां पे आपने थोड़ा सा सोचा कि यार इस सवाल को कैसे करेंगे, तो यहां पे चार कॉपी और पांच पेन की कीमत 120 है। तो अब यहां पे देखिए, मान के चलिए चार कॉपी मतलब 4x प्लस 5 बाय बराबर कितना मान लिया अपन ने 120। ठीक है, अब इसको आप देख रहे हैं कि चार के डबल करने तो मतलब अपन क्या कर देंगे, यदि दोनों तरफ अपन काय से गुणा कर दें, दो से गुणा कर दें तो आपका क्या आ रहा है 8x प्लस 10 बाय बराबर कितना आ जाए 240। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या कि आपने माना x कॉपियां हैं तो चार कॉपी और x बाय पेन है तो पांच पेन, कीमत 120। उसी तरीके से आपने इसको डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका आठ पेन, आठ कॉपी और दस पेन की कीमत भी कितनी आ जाएगी 240। बस इतना सरल काम है, सोचना है, सोचते हुए हल हो जाएंगे ये चीजें। क्लियर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आठ बैग और 12 बॉटल की कीमत कितनी है आपकी, कितनी है आपकी 980। तो चार बैग और छह बोतल की कीमत कितनी होगी, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है 8x प्लस 12 बाय बराबर कितना मान लो 980। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कॉमन निकाला, यहां से यदि आप दो कॉमन निकाल लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x और 6 बाय बराबर कितना 980। तो आपको दिख रहा है चार बैग और छह बोतल हो गई, हाँ भैया हो गई, बस इस दो को खत्म करना, इस दो को कहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, क्या आ जाएगा बटे में दो पहुंचा दीजिए, तो क्या आ गया 2 3 2 4 8 2 9 18 और यहाँ पे जीरो, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे आ गया चार बैग और छह बोतल की कीमत हो गई 490। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन कर देने हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा समझने वाला कि इसको अपन हल कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या करना है कि चार सेब और छह अनार की कुल कीमत 96 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने माना कि चार सेब और छह अनार 4x और 6 बाय बराबर कितना है 96। यहां से आप थोड़ा सा सोचिए कि आपने कुल आइटम कितने 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 खरीदे, आपने कुल 10 आइटम खरीदे, कितने आइटम खरीदे आपने 10 आइटम खरीदे, 10 आइटमों की वैल्यू आपको कितनी पड़ेगी 6, तो एक आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96/10 मतलब कितना आ जाएगा 9.6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.6, ये आपकी क्या आ गई हर एक आइटम की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ इस तरफ आए, यहाँ पे भी आपको 6 सेब और 9 अनार खरीदने हैं। ठीक है, कितने खरीदने हैं 6 सेब और 9 अनार, तो आपके आपने कुल आइटम कितने खरीदे 10, और उन्हीं 10 के हिसाब से आपने वैल्यू कितनी निकाली 9.6। अब यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि सेब अलग हो सकते और 6 अनार अलग महंगे रेट के हो सकते, हाँ भैया हो सकती, पर हमने कुल आइटम कितना मान लिया 10 मान लिया, और आपको यहाँ पे क्या बता दिया एक आइटम की वैल्यू दोनों को मिलाकर। ठीक है, 10 आइटम अपन ने कुल कितने के, एक आइटम यदि आप उसमें निकालोगे 9.6 का पड़ेगा। अब यहां पे आते हैं, तो आपने यहां पे माना 6x और 9 अनार, ठीक है, कितने के पड़ेंगे, तो 9 यहां पे कितना आ जाएगा 9 बाय आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 बाय आ जाएगा। क्लियर है, अब यहां पे आपने इसको हल किया तो आपको कितने के पड़ गए, तो आपने हिसाब लगाया एक आइटम आपका 9.6 का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको कितने आइटम खरीदने, इस बार आपने एक आइटम कितने 9.6 का है एक कीमत, तो आपको इस बार कितने चाहिए 15 आइटम, तो वो कितने के होंगे, तो आपको 15 से गुणा कर देना इसमें, तो बस आपका आंसर आ गया 15 × 90। ठीक है, 15 × कितना होता है 90, 90 की 0 हाथ से लाई 9 और 15 × 135, 15 × 135 और 9 कितना हो जाएगा 144। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके 6 आठ सेब और 9 अनार कितने के आ जाएंगे आपके 144 रुपए के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 144, ये आपका आंसर। क्लियर है, 144 रुपए आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से आपको ज्ञात कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहे दो, ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है, इस बार आपसे बोला गया 8 किलो आलू और 10 किलो टमाटर की कीमत आपकी 480 है, तो 20 किलो आलू और 25 किलो टमाटर की कीमत क्या होगी। अब यहाँ पे आपको एक एक किलो आलू की यदि मूल्य पूछ लिया जाए तो निकालना थोड़ा सा संभव नहीं है, पर यहाँ पे आपको टोटल मूल्य निकालने को बोला जाए तो आप वो निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, आपने यहाँ पे माना 8 किलो ए फॉर आलू,
ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने क्या लिया, 10 फॉर T4 टमाटर कितने का लिया आपने, 480 का, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया कि आपने टोटल कितने आइटम लिए, आपने 18 आइटम लिए, कितने के, 480 के, ठीक है, जिसमें आपके आलू भी शामिल है और टमाटर भी शामिल है। एक आइटम की वैल्यू कितनी पड़ी आपको, 480/18, ठीक है, 480/18, ये आपका एक आइटम की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपको कितने चाहिए, 20 आलू और 25 किलो टमाटर, किसकी वैल्यू चाहिए। तो आपने कल कितने आइटम, कितने किलो माल खरीदना है आपको, कुल खरीदना है 45 किलो माल, ठीक है, 45 केजी। और आपने यहाँ पे कितने केजी का हिसाब निकाल रखा है, एक केजी आ रहा है आपका 480/18 का, तो आपका 45 केजी कितने का आएगा, तो आप इसमें कर दोगे 480/18 गुणा में 45, कितना आ रहा है, काटना शुरू, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, ठीक है, और 2 से काटा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 0 बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 × 5 = 20, यहाँ पे 4 × 5 = 10 और 2 = 12, कितने के आएंगे आपके, 1200 रुपए के आ जाएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल आसान तरीके से करते जाना है। ये वाला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, ये दो आपके लिए होमवर्क में है, तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये दो क्वेश्चन हल कर लेना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका आंसर निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि पूछ लेते 1 किलो आलू की कीमत क्या है, तो यहाँ पे ये चीज निकालना थोड़ा सा संभव नहीं था, पर जब आपको यहाँ पे कुल कीमत पता चल जाती दोनों की, अब यहाँ से आपको दो समीकरण बन रहे हैं। आपसे यदि पूछा जाए 1 किलो आलू कितने का, तो आप बता सकते हैं। अब यहां पे आपको जब इस कंडीशन में आपको मिल जाए, तो पहले आपको पता कर लेना है 20 किलो आलू और 25 किलो आलू हैं कितने के, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक की कीमत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, फिर उसको हल करना पड़ेगा, और यदि नहीं दिया जाएगा तो आप ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्लियर हुई बात। तो यहां पे हमने एक एक चीज आपको बिल्कुल आसान तरीके से यहां से बताने की कोशिश की, पहले आपको दो समीकरण बना के हल किया, उसको भी आपने मान निकाला, फिर सिंगल सिंगल आपको करके दिखाया, फिर यहां पे आपको जब एक समान से दूसरा मान नहीं निकल रहा है, तो अपन कुल आइटम का हिसाब लगाते हैं। कुल आपने 10 आइटम लिए, 10 आइटम में से एक आइटम का मान निकला 9.6, और यहां पे अपने कुल से गुणा कर दिया, उसी तरीके से वजन वाले का भी ये किया। और दो क्वेश्चन आपके लिए सामने होमवर्क में है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताना है, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इस तरीके से हमने अपना क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पूर्णता समाप्त करते हुए अपने इस क्लास को क्या करते, समाप्त करते हैं। आज हमने अपने स्टार्ट टॉपिक को क्या नाम दिया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए, ये संख्या रेखा पे आपको निरूपित करने थे, ग्राफ पर निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे हमने हर एक चीज आपको बताई, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, पर उससे पहले हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, यदि आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने इसको क्या लाइक नहीं किया हमारी वीडियोज को, तो आप हम इसको लाइक भी कर दीजिए, जितना हो सके आप हमारे साथ और हमारी चैनल को क्या कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, जिससे आपको हम नई नई चीजें और साथ में एक्स्ट्रा के साथ आपको चीजें बताते रहे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।